डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले एक्सरसाइज 8.2 वी विल कंटिन्यू लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 13 में ये दो पार्ट हैं, हम एक एक पार्ट करके लेते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट फर्स्ट, कॉस ए प्लस बी प्लस सी प्लस कॉस माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस सी प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस सी अपॉन साइन ए प्लस बी प्लस सी प्लस साइन माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कॉट सी। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। पहले टेकिंग एल एच एस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस सी प्लस कॉस माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस सी प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस सी अपॉन साइन ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस साइन माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस सी। ये लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने। अब इसमें ये जो फर्स्ट टू टर्म है कॉस ए प्लस बी प्लस सी प्लस कॉस माइनस ए प्लस बी प्लस सी में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये कॉस ए माइनस बी प्लस सी प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस सी लास्ट टू टर्म में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस बी प्लस सी प्लस साइन ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी इसमें साइन सी प्लस साइन डी का लगा देते हैं। और लास्ट वाली जो टर्म है साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस सी में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तीन फॉर्मूले हमको लगाना पड़ेगा, ऊपर कॉस सी प्लस कॉस डी, नीचे साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्मूले हमारे पास में डायरेक्ट उसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ, विच इज इक्वल टू कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। तो टू कॉस सी प्लस डी, सी के प्लेस पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के प्लेस पे माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू इन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, सी के प्लेस पे ए प्लस बी प्लस सी और डी के प्लेस पे माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी हो जाएगा और प्लस सी माइनस सी अपॉन टू। और प्लस ये जो लास्ट टू टर्म है इसमें भी कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा रहे थे, यही वाला टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी के प्लेस पे ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी के प्लेस पे ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू इन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, सी के प्लेस पे ए माइनस बी प्लस सी और डी के प्लेस पे ए प्लस बी माइनस सी, माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस ए माइनस बी और माइनस सी का प्लस सी अपॉन टू। डिनोमिनेटर में यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, तो टू साइन सी के प्लेस पे है ए प्लस बी प्लस सी अपो सी और डी के प्लेस पे है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू एन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, कॉस सी के प्लेस पे है ए प्लस बी प्लस सी और डी के प्लेस पे ये है, इसमें माइनस साइन का इंटू कर देते हैं तो माइनस ए का हो जाएगा प्लस ए, प्लस बी का माइनस बी और प्लस सी का माइनस सी अपॉन टू। प्लस ये लास्ट टू टर्म में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, तो ये टू कॉस
प्लस डी, सी के प्लेस पे ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी के प्लेस पे ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू इन टू साइन सी माइनस डी अपॉन सी, सी के प्लेस पे ए माइनस बी प्लस सी और डी के प्लेस पे ए प्लस बी माइनस सी माइनस साइन का इंटू करें तो माइनस ए माइनस बी और माइनस सी का प्लस सी अपॉन टू। देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे, थोड़ा आराम से लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, पॉजिटिव नेगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो नेगेटिव ए पॉजिटिव ए कैंसल्ड, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा। सेकंड में नेगेटिव सी पॉजिटिव सी, नेगेटिव बी पॉजिटिव बी, यहाँ आ जाओ नेगेटिव सी पॉजिटिव सी, नेगेटिव बी पॉजिटिव बी, और ये लास्ट में नेगेटिव ए पॉजिटिव ए और नेगेटिव बी है प्लस सी प्लस सी, वो वैसे ही रहेगा। प्लस माइनस वाले को कैंसिल करना आपको, डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं हम कैंसिल, ये नेगेटिव ए पॉजिटिव ए और कोई टर्म नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव सी पॉजिटिव सी, नेगेटिव बी पॉजिटिव बी, यहाँ नेगेटिव सी पॉजिटिव सी, नेगेटिव बी पॉजिटिव बी, ये लास्ट में नेगेटिव ए पॉजिटिव ए, बी नेगेटिव नेगेटिव है, सी पॉजिटिव पॉजिटिव, बस इतनी चीजें कैंसिल हो जाएगी। अब इसको लिख देते हैं हम थोड़ा सा, विच इज इक्वल टू टू कॉस, यहाँ देखना बी प्लस बी टू बी और सी प्लस सी टू सी, टू कॉमन निकाल लेंगे तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस सी बचेगा, एन टू कॉस, यहाँ ए प्लस ए टू ए, टू ए को टू से डिवाइड कर देंगे तो ए हो जाएगा, प्लस यहाँ ए प्लस ए टू ए, टू ए को टू से डिवाइड करेंगे तो ए हो जाएगा कॉस ए, और लास्ट में माइनस बी माइनस सी प्लस सी प्लस सी, ये टू सी हो जाएगा प्लस का और टू बी माइनस का हो जाएगा, टू कॉमन निकालेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस बी लिख देते कॉस सी माइनस बी। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कर लेते हैं, टू साइन ये बी प्लस बी टू बी और सी प्लस सी टू सी, टू कॉमन निकालेंगे तो ये टू से कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस सी एन टू कॉस ए प्लस ए टू ए को टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस टू कॉस ए प्लस ए टू ए को टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, और लास्ट में साइन ये माइनस बी माइनस बी माइनस टू बी और प्लस सी टू सी, टू सी माइनस टू बी, टू कॉमन निकालेंगे तो सी माइनस टू कॉमन निकालेंगे तो ये टू से कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस बी बच जाएगा, साइन सी माइनस बी। अब यहाँ देखो ये टू कॉस ए, टू कॉस ए कॉमन निकल जाता है न्यूमरेटर से, ये टू और ये कॉस ए, ये टू कॉस ए, डिनोमिनेटर से ये टू कॉस ए और ये टू कॉस ए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से टू कॉस ए कॉमन निकाल देते हैं, विच इज इक्वल टू टू कॉस ए कॉमन निकाले न्यूमरेटर से तो यहां बचेगा कॉस बी प्लस सी, और यहां बचेगा आपका कॉस सी माइनस बी प्लस कॉस सी माइनस बी। डिनोमिनेटर में भी टू कॉस ए कॉमन निकालते हैं, टू कॉस ए कॉमन, यहां बचेगा साइन बी प्लस सी प्लस साइन सी माइनस बी, ऐसा बच गया, ये टू कॉस ए कैंसल्ड। अब न्यूमरेटर में कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस सी माइनस बी, डिनोमिनेटर में साइन बी प्लस सी प्लस साइन सी माइनस बी, यहाँ कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला लगा देते हैं और यहाँ साइन सी प्लस साइन टी का फॉर्मूला लगा देते हैं, विच इज इक्वल टू कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, तो टू कॉस सी प्लस डी, सी के प्लेस पे है बी प्लस सी और डी के प्लेस पे है सी माइनस बी अपॉन टू एन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, सी के प्लेस पे बी प्लस सी और डी के प्लेस पे सी माइनस बी, माइनस साइन का इंटू करें तो माइनस सी और प्लस बी अपॉन टू, डिनोमिनेटर में
साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ये हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी, सी के प्लेस पे है बी प्लस सी, डी के प्लेस पे है सी माइनस बी, माइन प्लस सी माइनस बी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, सी के प्लेस पे बी प्लस सी माइनस सी और माइनस बी का प्लस बी अपॉन टू। अब ये सब इंटू में आ गया, अब देखो ये टू से टू कैंसल्ड, ये नेगेटिव बी पॉजिटिव बी कैंसल्ड, नेगेटिव सी पॉजिटिव सी कैंसल्ड, डिनोमिनेटर में नेगेटिव बी पॉजिटिव बी कैंसल्ड और ये नेगेटिव सी पॉजिटिव सी कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू कॉस सी प्लस सी, ये कॉस सी प्लस सी टू सी को टू से डिवाइड करेंगे तो टू कैंसल सी, कॉस सी बच जाएगा कॉस सी, एन टू कॉस बी प्लस बी, टू बी को टू से डिवाइड करेंगे तो बी कॉस बी, डिनोमिनेटर में साइन सी प्लस सी टू सी को टू से डिवाइड करेंगे तो सी साइन सी, और कॉस बी प्लस बी टू बी को टू से डिवाइड करेंगे तो बी कॉस बी, एन टू में है ये तो कॉस बी से कॉस बी कैंसल्ड, ऊपर बचा कॉस सी अपॉन साइन सी, कॉस सी अपॉन साइन सी एंगल सेम है तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू कॉट सी, और यही हमको प्रूव करना था विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम थी इसलिए मैंने फॉर्मूले लिखा नहीं है, आपको आप चाहे तो यहाँ फॉर्मूले मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट सेकेंड, साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस डी प्लस साइन सी माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, तो इसके लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, टेकिंग एल एच एस इक्वल टू साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस डी प्लस साइन सी माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी। अब देखें यहां पर साइन बी माइनस सी कॉस ए माइनस डी, एक दो और ये तीन, तीन टर्म है, इसमें अगर टू का मल्टीप्लाई हो जाए तीनों टर्म के अंदर तो ये टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो पहले मैं वन अपॉन टू और टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तीनों टर्म, विच इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू टू साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस डी प्लस, इसमें भी टू का करो, टू साइन सी माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस डी प्लस, लास्ट टर्म में भी टू का इंटू कर देते हैं, टू साइन ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी। देखिए हमने बाहर वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई किया और अंदर टू से मल्टीप्लाई कर दिए, आप टू कॉमन निकाल लेंगे तो ये वन अपॉइंट टू का टू कैंसिल हो जाएगा और वापस आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया टू साइन ए कॉस बी, ये भी टू साइन ए कॉस बी और ये भी टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हमारे पास में है, फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ, टेंस टू साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तीनों टर्म में हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं टू साइन ए कॉस बी वाला, चलिए विच इज इक्वल टू वन अपॉन टू को ऐसे ही रहने दो, यहां लगाते हैं में लगा रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए के प्लेस पे है बी माइनस सी प्लस बी के प्लेस पे ए माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी, ए के प्लेस पे है बी माइनस सी और बी के प्लेस पे ए माइनस डी, माइनस साइन का इंटू करें तो माइनस ए और प्लस डी, ऐसे ही इस सेकेंड टर्म टू साइन ए कॉस बी इसमें भी लगा देते हैं तो प्लस साइन ए प्लस बी, ए के प्लेस पे सी माइनस ए और बी के प्लेस पे बी माइनस डी, तो प्लस बी माइनस डी प्लस साइन
ए माइनस बी, ए के प्लेस पे है सी माइनस ए, और माइनस डी के प्लेस पे बी माइनस डी है, माइनस साइन का इंटू करें तो माइनस बी और प्लस डी हो जाएगा। प्लस ये जो लास्ट वाली टर्म है 2 sin a - b cos c - d, इसमें भी लगा देते हैं यही वाला फॉर्मूला। तो प्लस साइन ए प्लस बी, ए के प्लेस पे ए माइनस बी प्लस बी के प्लेस पे है सी माइनस डी, प्लस साइन ए माइनस बी, ए के प्लेस पे ए माइनस बी और डी के प्लेस पे बी के प्लेस पे सी माइनस डी है, माइनस साइन का इंटू करें तो माइनस सी और प्लस डी। ऐसे हमने तीनों टर्म में फॉर्मल लगा दिए। अब देखिए इसमें चार चार एंगल है, ए है बी है सी है डी है, तो कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, सब में चार चार एंगल है ए बी सी डी, तो कोई टर्म कैंसिल होगी नहीं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सीक्वेंस में अरेंज करके लिख ले। सीक्वेंस में अरेंज करना मतलब पहले ए फिर बी फिर सी और फिर डी, रीअरेंज कर लेते हैं हम इसको, जो साइन है उसका वही वाला साइन ले लेंगे, ए बी सी डी के टर्म में उसको लिख लेते हैं। विच इज इक्वल टू 1/2 sin, यहाँ फर्स्ट टर्म में पहले ए को लिखना है तो ए प्लस का है ए, फिर बी आपका प्लस है प्लस बी, और सी माइनस है और डी माइनस है, तो जैसा है वैसे ही लिखना है, बस सीक्वेंस में लिखना है ए बी सी डी। प्लस सेकेंड टर्म में साइन बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी में लिखना है आपको, तो माइनस ए है प्लस बी है माइनस सी है और प्लस डी है। फिर ये थर्ड टर्म में साइन प्लस साइन, पहले माइनस ए फिर प्लस बी फिर प्लस सी और माइनस डी, उसके बाद ये फोर्थ टर्म प्लस साइन ए माइनस है बी भी माइनस है सी प्लस है और डी प्लस है, प्लस ये फिफ्थ टर्म साइन ए प्लस है, जैसा कि वैसे ही लिख दो इसको, माइनस बी प्लस सी और माइनस, ये अरेंज थी पहले से ए बी सी डी में, तो इसको एज इट इज वैसे लिख दिए। और ये लास्ट वाली जो टर्म है ए बी सी डी, ये भी अरेंज है, इसको भी एज इट इज लिख दो। प्लस साइन ए माइनस बी माइनस सी और प्लस डी, क्या किया मैंने यहाँ पर, यहाँ पे मैंने इसको सीक्वेंस में अरेंज कर दिया ए बी सी डी। अब जहां जहां पर प्लस ए है उस टर्म को रहने दो, इसको रहने दो, यहाँ प्लस ए है, उसके बाद इसको भी रहने दो प्लस ए और इसको भी रहने दो, ये प्लस ए, ये तीन टर्म एज इट इज रहने दो, ये वाली और ये वाली, और बाकी की जो तीन टर्म है जिसमें माइनस ए है उसमें से हम माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का यूज कर लेंगे, तो ये सब कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर है, पहली वाली टर्म को ऐसी रहने दो, साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, इसको ऐसी रहने दी हमने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस ए है तो इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकालूंगा मैं, प्लस साइन कर्ली ब्रैकेट लगा लेता हूँ, माइनस साइन कॉमन निकाला तो ए प्लस का हो जाएगा, बी माइनस हो जाएगा, माइनस सी का प्लस सी हो जाएगा और प्लस डी का माइनस डी हो जाएगा ऐसा। फिर ये वाली टर्म में से भी माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, तो प्लस साइन कर्ली ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ये माइनस कॉमन निकाला तो माइनस ए प्लस हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी हो जाएगा। उसके बाद तीन टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म, यहाँ पे माइनस ए है तो इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये साइन माइनस कॉमन निकाले तो माइनस ए का प्लस ए हो जाएगा, माइनस बी का प्लस बी, प्लस सी का माइनस सी, प्लस डी का माइनस डी। उसके बाद ये ए प्लस है इसमें, तो इसको एज इट इज लिख दो फिफ्थ टर्म को, प्लस साइन, अब ये फिफ्थ टर्म में ए प्लस का है तो इसको एज इट इज लिख दो, प्लस साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और ये लास्ट टर्म में भी आपका ए प्लस वाला है तो इसको भी एज इट इज लिख दो, प्लस प्लस साइन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब देखो ये जिसमें जिसमें हमने माइनस का साइन कॉमन निकाले, ये
ये साइन माइनस एक्स हो गया, तो साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, तो ये वाला माइनस का साइन यहाँ लगा देते हैं, तो विच इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ये साइन फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लो, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और यहां से ये साइन माइनस एक्स है तो माइनस साइन यहां माइनस कर दो, ये वाले माइनस को यहां कर दो, माइनस साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, यहां पर भी आपका ये माइनस है तो साइन माइनस एक्स माइनस, तो यहां माइनस लगा देता हूं मैं, माइनस साइन ए माइनस बी माइनस सी और प्लस डी, उसके बाद यहां पर भी माइनस का साइन है, ये माइनस है तो साइन माइनस एक्स माइनस, यहां माइनस लगा देता हूं, ये माइनस साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी प्लस, यहां पर यहां ए प्लस का है और इसमें ए प्लस का है, दोनों टर्म को एज इट इज लिख दो, साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस लास्ट वाली टर्म को भी एज इट इज लिख दो, साइन ए माइनस बी माइनस सी और प्लस डी, ऐसे यहां पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, सिंस साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसका यूज किया मैंने। अब देखिए ये ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस सी के नीचे वाला ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों को कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी ये माइनस का है, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी सेम एंगल और ये माइनस है ये प्लस, इन दोनों को भी कैंसिल कर दो, उसके बाद लास्ट वाला ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी है, ये माइनस का है और ये ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी एंगल सेम है, ये माइनस है ये प्लस, इन दोनों को भी कैंसिल कर दो, सब कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू जीरो, और वन अपॉन टू का जीरो में इंटू करेंगे तो टोटल जीरो हो जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखो हमको राइट हैंड साइड में जीरो लाना था, तो इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस। क्वेश्चन नंबर 14, इफ कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस सी प्लस डी अपॉन कॉस सी माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, प्रूव दैट टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी इज इक्वल टू माइनस वन, देखिए एक कंडीशन दी हुई है तो हमको टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी इंटू टेन डी इज इक्वल टू माइनस वन प्रूव करना, तो मैं ये कंडीशन को ही ले लेता हूँ और इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी इंटू टेन डी इज इक्वल टू माइनस वन प्रूफ हो जाएगा, तो मैं कंडीशन ले रहा हूँ, कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस सी प्लस डी अपॉन कॉस सी माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहां एलसीएम ले लेते कॉस ए प्लस बी और कॉस सी माइनस डी, विच एम्प्लाइज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस सी माइनस डी, एलसीएम लिए इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस सी माइनस डी का कॉस ए माइनस बी में इंटू कर लो, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी प्लस ये कॉस सी माइनस डी से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी का कॉस सी प्लस डी में इंटू कर लेते हैं, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ये नीचे वाली टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो में कर देते हैं तो पूरा जीरो हो जाएगा, विच एम्प्लाइज कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये डिनोमिनेटर आपका मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसको, यहां हम कॉस ए माइनस बी और यहाँ भी कॉस ए माइनस बी, यहाँ कॉस ए प्लस बी और यहाँ कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले लगा देते हैं, फॉर्मूला अपने पास सिंस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी
साइन ए साइन बी, एंड कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये दो फॉर्मूले हमारे पास में कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, ये लगा रहे हैं हम, ये इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पर कि ये प्लस माइनस वाली टर्म इसमें से कुछ कैंसिल हो जाएगी। आप विच एम्प्लाइज इसमें लगा रहे हैं कॉस ए माइनस बी में, तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी माइनस डी में भी कॉस ए माइनस बी वाला लगा देते हैं, तो ये कॉस सी कॉस डी प्लस साइन सी साइन डी। और ये जो लास्ट की टू टर्म है इसमें भी कॉस ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू ये कॉस सी प्लस डी में भी कॉस ए प्लस बी वाला लगा देते हैं, तो कॉस सी कॉस डी माइनस साइन सी साइन डी इज इक्वल टू जीरो। देखिए ऐसा आ गए, अब ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों ब्रैकेट का और ये दोनों ब्रैकेट का, तब उसके बाद टर्म्स कैंसिल होगी। तो पहले मैं ये कॉस ए प्लस बी का इंटू कर रहा हूँ इस पूरे ब्रैकेट में करो, विच एम्प्लाइज कॉस ए कॉस बी का कॉस सी कॉस डी में इंटू करेंगे, तो कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी कॉस डी, फिर इसी कॉस ए कॉस बी का साइन सी साइन डी में भी इंटू कर लेते हैं, तो प्लस कॉस ए कॉस बी इंटू साइन सी साइन डी। अब ये वाला जो साइन ए साइन बी इसका भी ये पूरे ब्रैकेट में इंटू करना है, आप कर रहे हैं हम साइन ए साइन बी का इंटू पूरे ब्रैकेट, तो प्लस साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी कॉस डी कॉस सी इंटू कॉस डी, फिर इसी साइन ए साइन बी का साइन सी साइन डी में भी करेंगे, प्लस साइन ए साइन बी इंटू साइन सी साइन डी। ये हो गया, ये दो टर्म में इंटू कर लिए, अब ये दोनों ब्रैकेट का भी आपको इंटू करना है। तो पहले ये कॉस ए माइनस बी का इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो प्लस कॉस ए कॉस बी का कॉस सी कॉस डी में कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी कॉस डी, फिर इसी कॉस ए कॉस बी का माइनस साइन सी साइन डी में करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी इंटू साइन सी साइन डी। अब ये माइनस साइन ए साइन बी का इस पूरे ब्रैकेट में इंटू करना है, तो माइनस साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी कॉस डी, फिर इस माइनस साइन ए साइन बी का ये माइनस साइन सी साइन डी में करें, तो माइनस माइनस प्लस प्लस साइन ए साइन बी इंटू साइन सी साइन डी इज इक्वल टू जीरो। देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे आराम से मल्टीप्लाई करना है आपको। अब देखिए जो प्लस माइनस वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाए, कौन सी प्लस माइनस है एक ही साइड में है। अब देखिए ये नेगेटिव टर्म है कॉस ए कॉस बी साइन सी साइन डी, कॉस ए कॉस बी साइन ए कॉस ए कॉस बी साइन सी साइन डी, ये पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर दो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। उसके बाद एक नेगेटिव टर्म और है साइन ए साइन बी कॉस सी कॉस डी, साइन ए साइन बी कॉस सी कॉस डी साइन ए साइन बी कॉस सी कॉस डी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इन दोनों को भी कैंसिल कर लो। अब देखिए क्या बचा अपने पास, कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी,
और कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी टू टाइम्स है, दोनों प्लस है, तो टू टाइम्स कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी लिख देते हैं, और ये प्लस साइन ए साइन बी साइन सी साइन डी है, और ये साइन ए साइन बी साइन सी साइन डी दोनों प्लस है, टू टू टाइम्स हो जाएंगे ये, विच एम्प्लाइज टू टाइम्स कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी, दो बार हो गया, प्लस ऐसे ही ये साइन वाला साइन ए साइन बी साइन सी साइन डी, साइन ए साइन बी साइन सी साइन डी, टू टाइम्स टू साइन ए साइन बी साइन सी साइन डी इज इक्वल टू जीरो, पूरे इसको टू टू है, टू इसमें भी है, टू इसमें भी, टू से डिवाइड कर लो पहले, तो ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी प्लस साइन ए साइन बी साइन सी और ये साइन डी इज इक्वल टू जीरो, टू से डिवाइड कर दिया हमने। अब देखिए हमको टेन में चाहिए, टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी चाहिए, तो ये एक टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी वाले को इधर शिफ्ट कर देता हूं मैं, विच एम्प्लाइज साइन ए साइन बी साइन सी साइन डी इज इक्वल टू माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी। अब हमको टेन चाहिए तो ये इनटू में है सब, कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी को इसके अपॉन में ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ माइनस वन बच जाएगा, इधर कर देता हूँ मैं, तो विच एम्प्लाइज साइन ए साइन बी साइन सी इंटू साइन डी अपॉन ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी को नीचे ला रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी इंटू कॉस डी इज इक्वल टू माइनस वन बचेगा, ये माइनस का साइन था तो माइनस वन बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वापस वैसे आ गए। अब देखो साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए हो जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी साइन सी अपॉन कॉस सी टेन सी और साइन डी अपॉन कॉस डी टेन डी इज इक्वल टू माइनस वन, विच एम्प्लाइज tan a into tan b into tan c into tan d is equal to minus 1, और यही हमको प्रूव करना था, tan a tan b tan c tan d is equal to minus 1, hence proved। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, f cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन गेमा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गेमा माइनस डेल्टा, प्रूव दैट कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गेमा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा। तो देखिए ये प्रूव करना है हमको और ये कंडीशन दी हुई है, तो मैं इस कंडीशन को लेके सॉल्व कर देता हूँ तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन गेमा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गेमा माइनस डेल्टा। अब देखिए यहाँ हम कॉस ए प्लस बी का, यहाँ साइन ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का और साइन ए माइनस बी के, चारों फॉर्मूले हम लगा देते हैं यहाँ पर, फॉर्मूले अपने पास में, आप चाहे तो फॉर्मूले लिख सकते हैं, सेंस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर कॉस ए माइनस बी का भी है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और एक फॉर्मूला साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये चारों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको लिखना तो लिखो, नहीं लिखना तो कोई जरूरत नहीं है।
इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ फर्स्ट वाले में ए के प्लेस पे अल्फा और बी के प्लेस पे बीटा है, विच एम्प्लाइज कॉस अल्फा प्लस बीटा को कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फर्स्ट हो गया एन टू। यहाँ साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो साइन गेमा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गेमा इन टू साइन डेल्टा विच इज इक्वल टू, ये दिस इक्वल टू, यहाँ लगा दो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये कॉस अल्फा बी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और इसमें लगा दो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला इन टू साइन गेमा कॉस डेल्टा माइनस कॉस गेमा इन टू साइन डेल्टा। ये चारों फॉर्मूले मैंने रख दिया यहाँ पर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। विच एम्प्लाइज अब ये दोनों ब्रैकेट का इनटू और ये दोनों ब्रैकेट का इनटू करना है, तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा का इस पूरे ब्रैकेट में इनटू करेंगे हम पहले, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा इन टू साइन गेमा कॉस डेल्टा, कॉस अल्फा कॉस बीटा इन टू साइन गेमा कॉस डेल्टा, फिर इसी कॉस अल्फा कॉस बीटा का कॉस गेमा साइन डेल्टा में करेंगे, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा साइन डेल्टा। अब ये वाला माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का भी आपको पूरे ब्रैकेट में करना है, तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा इंटू कॉस डेल्टा, फिर इसी माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का कॉस गेमा साइन डेल्टा में भी करना है, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस गेमा साइन डेल्टा। ये हो गया, इस साइड में पूरा मल्टीप्लाई हो गया, अब इक्वल टू के साइड में भी इस पूरे ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले कॉस अल्फा कॉस बीटा का मैं इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा, विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा का कर रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन गेमा इंटू कॉस डेल्टा, फिर इसी कॉस अल्फा कॉस बीटा का माइनस कॉस गेमा साइन डेल्टा में करेंगे, प्लस माइनस का माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा साइन डेल्टा। अब ये साइन अल्फा साइन बीटा का भी पूरे ब्रैकेट में करना है, तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का साइन गेमा कॉस डेल्टा में कर रहे हैं, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा साइन गेमा कॉस डेल्टा, और साइन अल्फा साइन बीटा का लास्ट वाली टर्म में ये प्लस माइनस 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 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गेमा साइन डेल्टा। देखिए ऐसा मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया है, अब इक्वल टू के साइन के तरफ जो सेम साइन वाली क्वांटिटी वो कैंसिल हो जाएगी। देखिए कौन सी कैंसिल होती है, यहाँ है कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन गेमा कॉस डेल्टा प्लस का इस साइड में, और यहाँ देखिए ये कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन गेमा कॉस डेल्टा, सेम क्वांटिटी है ये दोनों, ये वाली और ये वाली, एंगल को मैच कर लेंगे आप, कॉस अल्फा कॉस बीटा गेमा डेल्टा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन गेमा कॉस डेल्टा, सेम क्वांटिटी, इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ। एक तो ये कैंसिल हो गई, एक और कैंसिल होगी, आप यहाँ देखिए एक ये वाली टर्म माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गेमा साइन डेल्टा, और इसको देखिए माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गेमा साइन डेल्टा, ये भी माइनस वाली और ये भी माइनस वाली, ये और ये आराम से मैच करके देखेंगे आप, हाँ
ये कॉस गेमा है, कॉस गेमा साइन डेल्टा अल्फा बीटा, ये माइनस दोनों डिफरेंट साइड में, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, आराम से कैंसिल करना है। अब जो टर्म्स बची है उसको लिख देते हैं, विच एम्प्लाइज इधर बचा है आपका ये और ये, और इस साइड में बचा है ये और ये, इनको लिख देते हैं। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा साइन डेल्टा माइनस ये वाली टर्म साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा कॉस डेल्टा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा और कॉस डेल्टा। आप राइट साइड में माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा साइन डेल्टा, और ये प्लस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा कॉस डेल्टा, विच इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा साइन डेल्टा, ये प्लस का ये माइनस का और ये वाला प्लस का, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा और कॉस डेल्टा। अब ये वाली टर्म नेगेटिव है, इसको हम ये कॉस के साइड में शिफ्ट करें, एक जैसी टर्म है ये कॉस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा साइन डेल्टा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा साइन डेल्टा, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाले को इधर शिफ्ट कर देते हैं, सेम है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा कॉस डेल्टा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा कॉस डेल्टा, तो ये टू टू टाइम हो जाएंगे, मैं शिफ्ट कर देता हूँ पहले। विच एम्प्लाइज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा साइन डेल्टा, और ये माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा साइन डेल्टा, ये हो गया। और इस साइड में आपका इसको इधर ही रहने दो, और ये माइनस वाली को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा कॉस डेल्टा, और ये वाले माइनस वाले को मैं इधर ला रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा कॉस डेल्टा। देखो ये टर्म्स एक जैसी है दोनों भी, ये वाली और ये वाली सेम एंगल है, और इस साइड में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम, तो ये टू टू टाइम्स हो जाएगा, विच एम्प्लाइज टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा साइन डेल्टा इज इक्वल टू, इधर भी आपका ये सेम टर्म है दोनों भी, तो ये भी टू टाइम्स हो जाएगा, टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा इन टू कॉस डेल्टा। अब ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गेमा और इस साइड में कॉट डेल्टा, तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा को यही रहने देते हैं, इधर से साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा ये तीनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके अपॉन में लिख देते हैं, और इस साइड में हमको कॉट डेल्टा चाहिए, ये कॉस डेल्टा को यही रहने दो, साइन डेल्टा को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो विच एम्प्लाइज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा, ये तीन को लिखा मैंने, और इधर से ये तीन टर्म साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा को ले आओ, जितनी अपनी जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा ऐसी कल्टियो, इधर आपका बचा है कॉस डेल्टा, ये कॉस डेल्टा, और यहां से आप साइन डेल्टा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो साइन डेल्टा। अब देखिए कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट होता है, तो ये कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉट अल्फा हो जाएगा, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा कॉट बीटा हो जाएगा, कॉस गेमा अपॉन साइन गेमा कॉट गेमा हो जाएगा, और ये कॉस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा कॉट डेल्टा हो जाएगा, विच एम्प्लाइज कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गेमा इज इक्वल टू कॉस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा कॉट डेल्टा हो जाएगा। और देखो यही हमको प्रूफ करना था, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गेमा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गेमा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा,
हैंस प्रूव, तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।